अस्थिरता तो केवल अविश्वास से आती है। स्थिरता के लिए विश्वास अनिवार्य। विश्वास और शांति की निरंतरता बनाए रखना कैसे संभव है? इस नकारात्मकता का प्रसार हम कैसे रोकें प्रभु? केवल इस जागरूकता से कि सब कुछ अहम से संबद्ध नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो वह स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाए? यह असंभव है क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है जो कष्ट है व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जिन्होंने जीवन की प्रति घृणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता और उसके समक्ष वो विवश। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता के गहराई से अनभिज्ञ है और वो अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाते कि वो तो कुछ जानते ही नहीं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता के अधिक की आवश्यकता है। किंतु प्रभु इस पवित्रता में कौन से लक्षण अनिवार्य हैं? अनेकों लक्षण है किंतु इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सतित्व। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे पावन स्वरूप सतित्व। इस सतित्व पर मात्र विश्वास ही पर्याप्त है व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए।